राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम है आपकी आवाज। आज समय जगत की टीम सीहोर जिले की आष्टा तहसील के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निकली, जहां समय जगत की टीम सरकारी स्कूलों की हालत देखकर दंग रह गई। आष्टा विकास खंड के शासकीय स्कूलों में भारी अनियमितता होने के कारण स्कूली छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम लसूलिया सूखा के माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला में बच्चों को ना तो ठीक से मध्याह्न भोजन मिल रहा है और ना ही पीने का पानी। वहीं ग्राम लोराज खुर्द में भी बच्चों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है। ये भी स्थायी रूप से पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं स्कूल में लगा हैंडपंप खराब पड़ा है। इसके अलावा ग्राम पटारिया गोयल के माध्यमिक विद्यालय में स्कूल का फर्श टूटा हुआ है, जिससे बच्चों को बैठने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं संस्था के अंदर बच्चों को दोपहर के मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, वहां मेन्यू अनुसार नहीं दिया जा रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति भगवान भरोसे ही है। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू बैरागी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8। आज मध्याह्न भोजन मिला आपको? हाँ। क्या खाया उसमें? आलू की सब्जी और रोटी। इसके अलावा और कुछ? और कुछ नहीं, बस सब्जी एक तरह की थी। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ती है? आज भोजन करा, मध्याह्न भोजन मिला आपको? क्या मिला, क्या खाया उसमें? रोटी। हाँ, और सब्जी। काय की सब्जी थी? एक ही सप्ताह की सब्जी थी, एक ही तरह की सब्जी थी। इसके अलावा और कुछ नहीं मिला? यहाँ बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, है तो व्यवस्था पर आज ही खत्म हुआ है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है उसका। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पर ये बच्चे बस्ते रखे हुए हैं, बच्चे नहीं हैं, तो ये क्या डेली घर जाते हैं? नहीं सर, डेली घर नहीं जाते, आज सिर्फ पानी की व्यवस्था होगी इसलिए घर। अच्छा, लंच कब से कब तक चलता है? लंच 1:20 से 2:45 तक। अच्छा, 1:20 से 2:45 तक चलता है। और पानी की ये जो अव्यवस्था, इसके संबंध में आपने उच्च अधिकारियों को बताया? सर आज ही खत्म हुआ है ना, इसलिए फिर अब सूचना दे देंगे। कहाँ से आता पानी, कहाँ से व्यवस्था होती है? पानी हैंडपंप से, 2 हैंडपंप लगे हुए हैं। सर पटारिया गोयल में फर्श टूटा हुआ है स्कूल का, और लसूलिया सूखा जो स्कूल है उसमें भी अव्यवस्था काफ़ी देखने को मिली है इसमें। सर देखिए, इस जहाँ तक स्कूल की व्यवस्था का सवाल है, मैंने 2 दिन पहले ही जन शिक्षकों की और बीओबीआरसी की मीटिंग ली है कि किसी भी स्कूल में अव्यवस्था ना पाई जाए, चाहे वो बच्चों के आने की या एमडीएम मिलने की या साफ सफाई रहने की वहाँ पे। और मैंने अभी बीओ से भी बात की है कि बिल्कुल व्यवस्था बनना चाहिए, जन शिक्षकों के माध्यम से व्यवस्था बनाई जाए। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई लिखेंगे यहाँ से। और मध्याह्न भोजन में भी सर उसमें कमी मिली है कई जगह? मध्याह्न भोजन के बारे में भी मैंने परसों मीटिंग ली थी जन शिक्षकों की, सब टीचर्स वहाँ जहाँ हैं वो चेक कराएं, अगर मध्याह्न भोजन प्रॉपर समूह द्वारा नहीं दिया जा रहा है या गलत क्वालिटी अच्छी नहीं, उसकी रिपोर्ट बना के दें, हम समूह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आष्टा से कमल पांचाल की रिपोर्ट पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।